सांसद सरोज पांडे ने खराब सड़क को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसके पलटवार में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खराब सड़कों को लेकर जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वह डॉक्टर रमन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। साथ ही एक सड़क की आयु 12 से 15 साल होती है। भाजपाई जिन सड़कों की बात कर रहे हैं, वह 2017 से 18 के चुनावी वर्ष में रमन सरकार ने बनाई थी, जिसमें भ्रष्टाचार की कालिख ज्यादा थी, डामर कम, 4 साल में सड़कें खराब हो गई। कोई सरकार, कोई भी राज्य सरकार जब कोई सड़क बनाती है, कोई कार्य योजना बनाती है, तो अमूमन ये माना जाता है कि ये कुछ दशकों के लिए है। किसी भी सड़क की आयु कम से कम 10 से 12 15 साल तक होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई अधिसंख्यक सड़कें 4 साल में कंडम हो चुकी हैं। जिन सड़कों की फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सड़कें 16 17 18 में बनाई गई थी चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मतलब इन सड़कों में डामर की कालिख की जगह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कालिख थी।